वेलकम बैक एवरीवन टू हेमलैंड्स। तो आज है गाइस हमारे हेमलैंड्स सीजन 5 का फिनाले एपिसोड। तो गाइस सीजन 5 के अंदर हमें हेमलैंड्स की बहुत सारी मिस्ट्रीज के बारे में पता चला। जितना हम हेमलैंड्स को खतरनाक समझ रहे थे, ये उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है, हमें इस सीजन में पता चला। और इस सीजन के अंदर हमारे साथ बहुत सारी गड़बड़े भी हुई। सबसे पहली गड़बड़ थी टाइमलाइंस की गड़बड़। हमारे टाइमलाइंस इस वर्ल्ड की रप्चर हो गई थी और अलग अलग टाइमलाइंस के मॉन्स्टर्स हमारे हेमलैंड्स के अंदर आ गए थे हमें तंग करने के लिए। और इसके अलावा किलविश, जो हमारे इस सर्वर की सबसे बड़ी एंटिटी है और सारी की सारी एंटिटीज का बॉस था, जिसको हम लोगों ने सीजन 3 के एंड में जेल के अंदर कैप्चर कर लिया था, वो बंदा भी आजाद हो गया था एंड उसने हमारे इस वर्ल्ड के अंदर आतंक मचाना स्टार्ट कर लिया था। एंड हमारा मेन मकसद इस सीजन का हो गया था किलविश को मारना। लास्ट एपिसोड के अंदर गाइस फाइनली जब हम लोग उसको भगा भगा कर मार रहे थे, उस वक्त उसने एक बहुत बिग ब्रेन गेम खेली। हमारी नजरों के सामने से भागने के बाद हमें एक ऐसी जगह पर लेकर आ गए जहां पर एक बहुत ही अजीब सा जंगल पिरामिड था। वहां से अंदर हमें छलांग मारने के लिए विवश किया एंड उसके बाद गाइस हम लोग पहुंचे एक ऐसी जगह पे जिसका नाम है डेड हेमलैंड्स। वहां पर हमें मिलता है विजर्ड का जुड़वा भाई, जो बहुत पहले हमसे बिछड़ गया था। एंड ये एक ऐसी जगह गाइस जहां से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, लेकिन आज किसी भी हालत में यहां से बाहर भी निकलना है एंड किलविश को भी मारना है। सो इफ यू गाइस एक्साइटेड लीव अ लाइक गाइस। इस वीडियो का लाइक है मैं 350,000 लाइक्स आई नो तुम लोग जरूर कंप्लीट करोगे एंड गाइस चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज सीजन 6 हेमलैंड्स का बहुत एपिक होने वाला है, आई प्रॉमिस यू गाइस। एंड एक आखिरी चीज गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया मेरे व्हाट्सएप चैनल का, तो तुम लोग मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर अगर तुम लोग मुझे ज्वाइन करोगे तो भाई तुम लोगों को मैं अपडेटेड रहूंगा हर एक वीडियो से रिलेटेड। सो यार जरूर ज्वाइन करना, इस एपिसोड के एंड तक 1 लाख फॉलोअर्स करवा दो वहां पे यार। लव यू मैन, एंजॉय दिस वीडियो। सो गाइस लास्ट एपिसोड में डेड हेमलैंड्स के अंदर जब हम लोग पहुंच गए थे, तो वहां पर हमारे पीछे कुछ गुंडे वगैरह पड़ते हैं। उस डेड हेमलैंड्स के कुछ लोकल एंटिटीज अजीब अजीब से, जिनको किलविश ने वहां पर रखा हुआ था, उनसे बचते बचते गाइस लास्ट में हमारे पास विजर्ड का जो जुड़वा भाई आता है, वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि इस जगह से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। एंड देन उसके बाद गाइस मैंने उससे इन्फॉर्मेशन निकाली कि क्या तूने किलविश को कभी इस वर्ल्ड के अंदर देखा है? तो उसने बोला कि मैं एक बार मैंने किलविश को यहाँ पर देखा था एंड मैंने उसका पीछा किया एंड एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचने के बाद वो बंदा गायब हो गया। तो अभी सबसे पहले हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं एंड वहां से आगे हम लोगों को पहले किलविश के लोकेशन का पता लगाना है इस डेड हिमलैंड्स के अंदर, ताकि हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाए। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, अपना विजर्ड बोल रहा है कि ऑलमोस्ट उस जगह पर पहुंचने वाले भाई। ये पिछले 20 मिनट से लेकर हमको चला रहा है ये, और दूसरा विजर्ड बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है भाई। एक यहाँ पर तूने लास्ट टाइम देखा था उसको, ये देख रहे हो इतना बड़ा पहाड़ी, मेरे को तो ऐसा लगता है वो पहाड़ के अंदर गया होगा भाई, अगर गायब हुआ है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी पहाड़ी लगता है भाई। तू एग्जैक्ट बता मेरे को, एग्जैक्ट वो गायब कहाँ जैसे वाला, यहाँ पर थोड़ा आगे जाके तू कहाँ पर खड़ा था, लाइक सब कुछ बता मेरे को एक बार, कहाँ पर हुआ था। और तो ये बोल रहे की ऑलमोस्ट उसका पीछा करते करते वहां तक पहुंचा था एंड वो पहाड़ी के नजदीक जाते थे, बीच रास्ते में ना एक वो चलते चलते गायब हो गया एकदम से, लाइक ऐसा लगा कि कहीं पर टेलीपोर्ट हो गया। भाई एक चीज गाइस तुम लोगों ने नोटिस करी, जो ये एंटिटीज वगैरह है ना, इनको बड़े बड़े पहाड़, बहुत बड़े बड़े महल वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है। एक चीज की मैं गारंटी तुम लोगों को दे सकता हूँ, विजर्ड भाई इधर आ वापस। गाइस देखो एक चीज की गारंटी है, ये जो हमारा किलविश है इसको शान और शौकत में रहना पसंद है। तुम लोग याद होगा डार्क हेमलैंड्स के अंदर भी इस बंदे ने एक बहुत बड़ा महल बनाया था, हालांकि जरूरत नहीं थी भाई, बट इसने महल एक बहुत तगड़े वाला बनाया था। भाई क्या कर रहा है बंदा, कुछ तो दिखा रहा है क्या? हाँ, तो मैं बोलता गाइस कि वहां पर भी उसने इतना बड़ा महल बनाया हुआ था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई इस पर्टिकुलर नए डेड हेमलैंड्स वाले वर्ल्ड के अंदर इसने कोई भी ऐसा महल टाइप जगह ना बनाई हो? देखो भी ऐसा लगता है ना कहीं तो रह रहा होगा, हमें बस उस जगह पर जाना है। वहां पे विलेज है, वहां पे विलेज है, हम लोग चलते रहो वहां पे। अरे विलेज में क्या करोगे भाई आप? अरे चलो तो सही मजा आएगा, मैं बता दो तुमको वहां पे। अरे इसको पाव लेना वहां से, और कुछ नहीं करना है यार, पाव खत्म हो गए यार, तीन ही है भाई। चलो चलो चलो, पाव पाव बाद में ला देंगे बाटी भाई, इनको पाव नहीं लेना, ये जाके हम आयरन गोलम को चटकाएंगे, रहन दो मैं कह रहा हूँ। रुको रुको गाइस, चटकाता सुरेश करता है वो, अभी बिल्कुल भी हमारे पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, ठीक है ना अभी। ओ अरे भाई हम बेवकूफ है, हम लोग बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग बेवकूफ है, बोलो क्यों बेवकूफ है? आप दोनों बेवकूफ है भाई मेरे साथ, दाईमा को क्यों नहीं बुला रहे हम लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए? भगवान मैं कब से वही पलटी मारा, कब से लेकर मैं वही बोल रहा, बोला भी नहीं एक बार भी इस बंदे ने। अरे मतलब दिमाग भाई, बुलाओ बुलाओ कैसे बुलाओ, होगा लाला की दाई माँ, होगा लाला की दाई माँ, होगा लाला की दाई माँ, अगर आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही तो प्लीज आ जाओ एक बार, प्लीज हमारी। हो गया हो गया हो गया, ओह माय गॉड, हम बेवकूफ है, कब से लेकर हमने दाई माँ को क्यों नहीं बुलाया, पागल है भाई हम लोग। वेयर इज दाई माँ? नोटिस करो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि डार्कनेस हटने के बाद वो ना आई हो। वेट, वो नहीं आई एक्चुअली में है ना? हाँ वही ना,
भाई How? प्यार प्यार ना रहा, ये दादी माँ ने हमको धोखा दे दिया भाई। How is this possible? भाई लोग धोखा दे रहे उसने सच में प्यार में भाई, भाई। अब तक तो क्लासरूम की लड़कियां देती थी, अभी ये देने लगी। वो आई नहीं यहाँ पर। यार देखो बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, पर ऐसे वाला फैक्ट्स क्यों बोल रहे हो बीच में? सच तो सच होता है भाई, ये तो प्रिंसिपल धोखा दे दी। भाई स्मार्टी भाई वो सब छोड़ो, पर ये बात तो सच निकली कि किलविच के परमिशन के बिना कोई भी इस वर्ल्ड में नहीं आ सकता है। ऐसा ही है क्या विज़र्ड सही में? Oh shit, dude. दाइमा, दाइमा ने कोशिश करी यहाँ पे आने के बाद, ये फैक्ट है। दाइमा ने कोशिश करी आने की, जैसे वो डार्कनेस वाले इफेक्ट हो आ नहीं पाई यहाँ पर। भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। सुनो एक मिनट, मेरे को ना एक थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बंदा यहाँ पे आके गायब हुआ है, तो यहाँ पे कहीं ऐसे पोर्टल वगैरह तो नहीं है? देखो ना सामने, देखो देखो पोर्टल तो मुंह के सामने। अरे भाई ऐसे पोर्टल के थ्रू यार किलविश आएगा पोर्टल के थ्रू ब्रू। आप सोचो भाई पोर्टल कंप्लीटेड भी नहीं है, थ्रू ही है पोर्टल कंप्लीटेड। एक गोल्डन चांट अपन निकाल कर रखते हैं, काम आ जाएगा अपने थोड़ा सा। मेरे जो दिमाग में चल रहा है ना गाइस, वो पता क्या चल रहा है ना, जो मैंने अभी यहाँ पर बोला तुम लोगों को कि वो आस पास कहीं ना कहीं इस डेड हिमलैंड्स के अंदर रह जरूर रहा होगा, हम लोगों को बस वो लोकेशन फाइंड करनी है, सीक्रेटली वहां पर जाना है। हम लोग बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, आज इसको मारना ही मारना है। तो एक काम करते हैं ना, मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम लोग इस पहाड़ के टॉप पे चलते हैं और आगे के लिए चलते हैं। भाई सुन थोड़े बहुत पर्ल्स वगैरह पकड़ा दे, मेरे को तेरे पर पड़ी होगी, पर्ल्स वगैरह पकड़ा दे तू और हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं एक बारी। शाबाश शाबाश, कितनी दे रहा है ये बंदा, 16 पर्ल्स, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चुन एक गाइस अभी पर्ल्स भी मिल गए, एक मारो ना वहाँ पे, लेते हैं ना गांव में से पाओ भी। अरे यार ऐसे पाओ की जरूरत, अरे भाई यार पाओ की क्या जरूरत है, अपने पास पाओ की फैक्ट्री चल रही है भाई। तू पकड़ा खाना, पकड़ा खाना, पकड़ा जल्दी, अभी विज़र्ड हमको खाना वगैरह भी देगा। एंड भाई विज़र्ड तो टेंशन मत ले। ओह नाइस नाइस बेटा, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे को हम लोग अभी यहाँ पे एस्केप करें। अरे भाई ऐसे खा क्यों रहे हो भाई, एक एक पाव वेस्ट कर दे, गर्लफ्रेंड भी दे दे, गर्लफ्रेंड भी दे दे। अच्छा ये नहीं है, ये इसके पास भी नहीं है, चलो आगे आगे। ये बंदा भाई मानने वाला नहीं है, जो पल मार मार के ऊपर चलो आप चुपचाप से, ठीक है ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इस पहाड़ के थ्रू, मतलब इस पहाड़ को क्लियर करके एकदम से कह समझो टेलीपोर्ट होके इस पहाड़ के पीछे चला गया, दूसरी साइड चला गया ना, पहाड़ पे चल के तो जाएगा नहीं। आई एम टेलिंग यू यही हुआ होगा शायद। आजा भाई विज़र्ड आजा, हम लोगों को बस आसपास अच्छे तरीके से नजर मारनी है। आई नो फॉर अ फैक्ट हम लोग गाइस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जिस जगह पर आए थे ना, वहां से ऑलमोस्ट कितने 2800 ब्लॉक्स के आसपास ट्रैवल करके आए हम लोग यहाँ तक पीछे तक, बाय द वे। तो इतने ही डिस्टेंस में हो सकता है उसका कहीं ना कहीं घर हो। हम लोगों को बस कोई भी हिंट को यहाँ पे छोड़ना नहीं है। मुझे तो किलविश के इरादे अच्छे नहीं लग रहे भाई। किलविश के इरादे कहाँ अच्छे है भाई साहब, हमको इस वर्ल्ड में लेकर आ चुका है। जितना टाइम वेस्ट हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ना, उतनी ही हमारी पावर्स वगैरह कम हो रहे। तुम लोगों को फील नहीं हो रहा हमारा अवतार थोड़ा स्लो चल रहा है भागते हुए भी? मतलब फील हो रहा है लाइक एक्सट्रीम स्लो चल रहा है, और है ना? मुझे ऐसे लग रहा है कि हंगर भी बहुत फटाफट जा रहा है, बहुत फास्ट। हम लोग एक्चुअली हम लोग 3 बंदे एक ही शरीर के अंदर है, तो हंगर हमारी जाएगी क्योंकि हमारा वेट बढ़ा हुआ है इस वक्त। मेन बात तो ये भी है, जल्दी जल्दी चलो आसपास नजर मारते एक बारी। गाइस यार हम लोग बहुत देर से लेके आगे चल रहे हैं, यहाँ पर भाई एंडी नहीं आ रही जगह का, पता नहीं क्या चल। स्मार्टी इधर आ जल्द, आया मैं क्या हो गया भाई? अरे भाई प्लीज टेल मी कि तुमको कुछ दिख चुका है। यार हम लोग भाई अटक चुका है, जितना टाइम हम लोग वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, हमारी पावर्स कम हो रही शरीर के अंदर से। एग्जैक्टली भाई, व्हाट द हेक? ओ भाई ये क्या? आगे चल आगे चल आगे चल, पल मार के चल। ऐसे कैसे पल मारते भाई? ड्रिप पर कैसे छलांगे मार रहे हो पर कहीं? भाई हम लोग पहले ही कमजोर है भाई, मैं मार रहा हूं। पल मारने वाले बंदे को बोलो ना, ये पल ने आप छलांगे मारे हर कहीं। आगे देख सामने देख, ये भाई वो किसका? व्हाट द हेल? आराम से आराम से विज़र्ड, विज़र्ड बिल्कुल भी स्पीड नहीं, ड्रीम बाय बिल्कुल भी स्पीड नहीं, ठीक है ना? आराम आराम से चलो, हम लोग अभी बहुत कमजोर, हम लोग फाइट तो बिल्कुल नहीं कर सकते अभी, और कहाँ थी इन्हें फाइट करने की? हाथ वगैरह तो नहीं है क्या है? अरे ये पेड़ है, सूखे हुए पेड़ है भाई, ये सूखे हुए पेड़ है। Definitely वो यहाँ पर रहता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर किलविश रहता है वहाँ वहाँ पर हरियाली सारी की सारी गायब हो जाती है ना? ये तो फैक्ट है भाई। Exactly, what the heck man, भाई ये क्या गलत जगह आ गया भाई, ऐसे मेरे को बहुत गंदी वाइब आ रही है भाई। Holy shit us bro, what the heck? Guys हम लोगों को थोड़ा सा तैयारी करके आना चाहिए, मुझे ऐसे लग रहा है। अरे खाना खुना सब है, खाना खुना सब है। अरे यार ऐसे आप अभी मत खाओ ना, अभी हमारे पास हेल्थ पूरी है भाई, ऑलमोस्ट मत खाओ खाना अभी आप। साइड होके चलो साइड होके, अरे ब्लॉक निकाल दो अंदर से, इन्वेंटरी के इन्वेंटरी के अंदर से ब्लॉक निकालो, नीचे हमको ब्लॉक चाहिए होंगे। है आपको प्लेस करने पड़ेंगे पर। अरे प्लेस आप करोगे, मैं नीचे देखूंगा, मतलब वो नीचे देखो भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो ना सामने देख, सामने देख, सामने देख। यो ये कैसा फेस है, अजीब सा हड्डी ऐसा, व्हाट द हेक? वो भाई ये लैंटन बिंटन की तरह खोपड़ी है, देखो ना सेंटर में। हां गाइस अभी बहुत ज्यादा स्लो चलना, आई थिंक गाइस हम लोग उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर हमारी मुंडिया घूमी है यहाँ पर, कुछ हम नजदीक जा रहे थे यहाँ पर, हमको वो अजीब सा नौजिया लग रहा है। ए गाइस ऊपर देखो, डेड हिमलैंड, व्हाट द हेल?
भाई लिटरली वो डैडी हिमलैंड लिखा हुआ है, ये क्या मजाक है भाई? यार एक सेकंड, इसको मतलब ये तो नहीं है, मतलब जैसे हमारा डार्क हिमलैंड था वैसे एक और हिमलैंड है, मतलब थर्ड डायमेंशन। अरे भाई आपका साबुन स्लो है क्या भाई? पीछे विजर्ड ने क्या बोला इससे पहले से लेकर है, दिमाग स्लो है क्या आपका? डेड हिमलैंड इसने बनाया, किलविश ने बनाया। तुम लोग क्या गाइस याद होगा जो डार्क हिमलैंड से हमारा, वहां पर भी राज कौन कर रहा था? हमारा किलविश। भाई मुंह के सामने देख रहे हो तुम लोग क्या है? बाप रे भाई, ये जो हड्डी है, ये जो हड्डी है ना पकड़ी हुई, लैंटर्न जैसी पकड़ी हुई है इसने। हाँ, भाई धनुष पकड़ा हुआ इसे। 110% बोल सकता हूँ किलविश यहीं पे रहता है, इस डेड हिमलैंड्स के अंदर किलविश यहीं पे रहता है। व्हाट साला किलविश कौन सा बॉब द बिल्डर यूज करता है जो इतना सारी चीजें बिल्ड करके देता है यार उसको? भाई ये बहुत ही ज्यादा नए, देखो आसपास के सारे पेड़ सूखे हुए हैं गाइस। 110% बोल रहा है इस डेड हिमलैंड से बाहर निकलने का रास्ता इधर ही किधर होगा गाइस। देखो लग रहा है सामने वो एंट्रेंस है, वो तीन, ये देखो ना सामने। अरे भाई साहब छोड़ो, आज किलविश को मार के आएंगे, लेट्स गो बेबी। मार के तो आएंगे भाई, रुक जा, धीमे जा, तेज मत भाग, तेज मत भाग, स्लो 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 स्लो। हाँ ऐसे स्लो चलो, ठीक है ना भाई? आपको स्लो चलना, आप ज्यादा तेज भागोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ आराम आराम चलो, आसपास वो हो भी सकता है, हो सकता है अभी वो यहाँ पर अवेलेबल। और जो आप, आपकी आदत सुधार दो भाई, पाओ लेके हाथ पे चला है बंदा, पाओ हटाओ हाथ से, तलवार तलवार हाथ पे पकड़ो भाई। एजुसन भाई मेरे को डर लगता है जोसा कसम से, आइंदा से एक शरीर में इसके साथ नहीं घुसूंगा भाई मैं कसम से, ये बंदा भाई बहुत डेंजर आदमी है। मिस करोगे मुझे। अरे भाई ये इतनी बड़ी जगह है, ये इतना अजीब सा है, मेरे को बस ऊपर ये मुंडी है ना इसकी ना, वहाँ का एंट्रेंस ढूंढनी पड़ेगी गाइस। इतना होता तो मजा आ जाता भाई, एंट्रेंस ढूंढने, ऊपर हम लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ। अरे मुझे अकेला दिखा एक बंदा वहाँ पे, उसको मार दी, भाग क्यों रहे? अरे भाई क्या कर रहे है? पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमें मार देगा और हम लोग कितने विजर्ड कजन, विजर्ड कजन भाई तू, अरे बताइए तू भाग, तू भाग, तू तो 6 महीने से अटका हुआ जगह पे भाई, तू तो भाई आराम से मर जाएगा, तू तो भाग भैया बहुत बड़े, तू भाग, तू भाग, तू भाग, तू भाग। मैं तो बोल रहा हूँ पल मारू, पल मारू, मारो मारो पल मारो, पल मारो, पल मार के भाग यहाँ से। लड़ो मत किसी से, मत लड़ो यार, हम लोग मर जाएंगे। ये क्या है भाई, ये बंदा तेज है बहुत ज्यादा, हमको भागना पड़ेगा, हमको भागना पड़ेगा, भाग भाग भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग। अरे भाई ब्लॉक 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 ब्लॉक, तेज 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 भाई, हम लोग मर जाएंगे ऐसे करके, हम लोग मर जाएंगे ऐसे करके। ऊपर ऊपर छलांग मार, ओह हाँ बहुत बहुत बड़ी पल मारी भाई, बाय द वे आपने बहुत बड़े पल मारे आपने। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड ब्रो, इस बंदे ने हमको 2-3 फटके मारा, ऑलमोस्ट पूरी एचपी खा गई हमारी। ऊपर चल, 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 ऊपर चल। ओके ओके ओके, ऐसे ड्रीम भाई, तुम दोनों का भी कोऑर्डिनेशन की बात है, कोऑर्डिनेशन को ऊपर से गिरा के मार सकते हो आराम से, ठीक है ना? समझ गए तुम दोनों, कोऑर्डिनेशन पे काम करना पड़ेगा अभी तुम दोनों को, कोऑर्डिनेशन पे काम करना पड़ेगा। ये देख रहे, देखो देखो इसको, मार 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 मार, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी ये लौंडा। ओ माय गॉड भाई, कोऑर्डिनेशन क्या क्रेजी था भाई इस बार। ओ बेबी ओके भाई, ऐसे क्लच है भाई, नीचे गिर के भी अंदर ने क्या क्लच किया। रुपर इस जगह को देखो तुम लोग एक बार यार, व्हाट द हेल इज दिस प्लेस। हम लोग वहां टॉप पे जाना पड़ेगा, इसका जो हाथ दिख रहा है तुम लोगों ऊपर, यहां पे जाना पड़ेगा हम लोग को फटाफट। चल ड्रीम डब्ल्यू दबा, विजर्ड भाई कहां है तू, जल्दी वापस आ, वेयर आर यू ब्रो, जल्दी वापस आ, 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 वहां पे रावड़ी देवी के पास शायद। भाई साहब मैं भी एकदम से डर गया था ब्रो, ये बंदा ना हमारा, पता है हम लोग अभी कितने कमजोर बन चुके हैं, इसने 3 शॉट हमारे 7 हर्ट्स खाए ब्रो, बल्कि हम लोगों के पास पूरा नेदरराइट का आर्मर भी है, एंड हम लोग एक्चुअली में नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। बेसिकली इनको ना शक्ति से नहीं युक्ति से हराना है, बिकॉज इनकी एचपी कुछ नहीं है, एचपी उनकी ज्यादा नहीं। हाँ और ये लोग बार बार रिस्पॉन्ड भी होते हैं, जो इससे पहले हमने हमारे विजर्ड ने हमें बोला था पल मार के चलना पड़ेगा जो ऊपर हमको, पर कहाँ मारोगे? दोनों चीज के लिए एग्री कर सकता हूँ भाई, शक्ति भी और युक्ति भी, कुछ भी मिले दोनों चलेगा। तुम्हें तो शक्ति चाहिए, युक्ति की तुम्हें जरूरत नहीं है भाई। अब क्या पल मार रहा है, क्या पल मार रहा है? अरे यार मैंने ऊपर वाला कोशिश किया था, नीचे गया वो, क्या करूं मैं भी जीवन। मार 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 मार, क्लच कर क्लच कर क्लच कर, कमान कमान, यू गॉट इट, यू गॉट इट, यू गॉट इट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जाना अपने ऊपर, अब जाना अपने ऊपर ड्रीम ब्रो, ये कितना डरावनी जगह है यार, ड्रीम में बेबी डब्ल्यू के दबाना है तुझे से। अबे अच्छा ठीक है, तो अगली बार से वही नहीं दबा। नहीं 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 आराम से भाई, बढ़िया खेल रहा है मैं तो, आराम आराम से चल बस तू। भाई यार इसकी शक्ल देख के तो मुझे एक्चुअली में डर लग रहा है, क्या जाना चाहिए हमको आगे? ड्रीमर रुक जा, ड्रीमर तू अभी क्यों चल रहा है, थोड़ा रुक जा ना भाई, इसको आगे भाई लगी आगे जाने की एक्साइटमेंट है भाई के अंदर, चलो ना देखते ना क्या है अंदर, थोड़ा दिमाग लगा। सुनो तलवार है या वो है? हाँ, इसके हाथ में कुछ तलवार जैसी बहुत अजीब सी है। हम लोग ना कैसे, सुनो मेरी बात सुनो, हम अरे भाई हम लोगों को सिर्फ दिमाग लगाना है यहाँ पर कि हम लोग अंदर जाके कैसे पोर्टल का रास्ता, लाइक अंदर ऐसा क्या हो सकता है जिससे हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, बस दिमाग लगाना भाई, मेरे को डर लग रहा है यार। अरे यार डरने की बात नहीं है, तुम डब्ल्यू दबाओ ना, मिल जाएगा हम लोगों को कुछ ना कुछ। भाई मेरे को भी लग तो रहा है, क्या हुआ, क्या हुआ? No! 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 भाग! विजय अंदर भाग! विजय अंदर भाग!
विजय भाग 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 जल्दी भाग। अरे एरो को छोड़ो भाई, तुम लोग पागल हो क्या भाई? एरो मारोगे इसको? ड्रीम भाई, तब से लेके हमको देख रहा था, तब से लेके हमको देख रहा था भाई। मैं तो यो, ये हम लोग कहाँ पे आ गया? व्हाट? अरे ड्रीमो, आप पागल हो क्या? आपने प्रेशर प्लेट दबा दी यार, आवाज नहीं आया क्या आपको? अरे भाई यार, हमारी किस्मत ही खराब है। तोड़ इसको। अरे गलती से हो गया भाई, मेरे से गलती से भाई, आई एम सॉरी ब्रो। ओ शिट, पुत्र आपने प्रेशर प्लेट देखी क्यों नहीं भाई? यार कैसे भाग रहा था मुंह में? कितना अजीब लग रहा है। विजार्ड, विजार्ड कहाँ है? विजार्ड कहाँ है? गायब हो गया वो। अरे भाई तू पागल है क्या? डरा दिया वो भी भाग गया। वो गायब हो गया। व्हाट? विजार्ड, विजार्ड तोड़ थोड़ी जगह को। अरे भाई यार, मेरे को तो पर्ल मार के बाहर जाने का मन कर रहा है। शिट 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 शिट। ओ माय गॉड भाई, अब मारो, मैं डब्लू दबा के रखता हूं। नहीं, दोबारा जाके बंदा। एक सेकंड अंदर नहीं आ भाई। तू इतना झंडे, तू अंदर कैसे आएगा? अंदर कैसे आएगा? पकड़े अब बोल। हैं आ बेटे, किल आजा, भिड़ ले। टूट रही है जगह, मेरे को लगा जगह टूट रही है। मैं खुश हो गया था एक सेकंड के लिए भाई। ऐसे हो यार। अरे टीएनटी बना के फेंक देते हैं भाई, कुछ तो होगा। अरे नहीं है, टीएनटी वाला कुछ भी नहीं है। फायर चार्ज ऐसे हो, फायर चार्ज मारे एक बारी। फायर चार्ज काम नहीं कर रहा है। यो आ गया बंदा। ओ मेरे पे एक आईडिया है। सुनो क्या मेरे पे एक आईडिया है, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अरे भाई यार, हमको अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं, इसको मारना है। आज तू जिंदा नहीं बचेगा, तू ये मान के चल ले आज। या तो क्या भाई, तू आज नहीं बचने वाला, समझाना। कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम जिंदा रहेंगे या फिर तू जिंदा रहेगा इस वर्ल्ड के। ऐसा तो है ही नहीं जियो, आज हम लोग जिंदा रहने वाले, तू मरेगा। आई डोंट नो कैसे होगा। सबसे बड़ी बात यह है, तू अपने आपको विलेन समझता है ना बेटे? तेरे से बड़े विलेन हम है, हिबलैंड्स के बाप हम लोग हैं, तू नहीं। पूरे मुंह में ये विजर्ड का कजन डाल दूंगा मैं। पर भाई लोग, हम लोग करेंगे कैसे भाई? बचेंगे कैसे यहाँ से? क्योंकि हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड में फंसे हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन है, और उसके अंदर भी एक ऐसे ट्रैप में जिससे हम निकल ही नहीं सकते हैं। नहीं, हम लोगों को ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। हमारे साथ पूरे हमारे हम तीनों के ऊपर उम्मीद है, पूरे के पूरे हिमलैंड के सारे अच्छाई की, सारे अच्छे लोग हमारे ऊपर डिपेंड है। हम लोगों को कुछ भी करके इस कमीने को मारना ही पड़ेगा, और सब लोगों को वो राहत की सांस लेने को मजबूर करना ही पड़ेगा। कम ऑन मैन, सबके लिए कर रहे हैं हम लोग, सबके अच्छाई के लिए कर रहे हैं। कम ऑन गाइस, हम लोगों को कुछ ना रास्ता निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली मेरे भाई, हम लोगों के पास पूरे के पूरे हिमलैंड की पॉजिटिव एनर्जी है। हम लोग हैं हिमलैंड के पॉजिटिव लोग, और तू नेगेटिव है, समझा? पूरी ऑडियंस हमारे साथ है, जितने भी लोग देख रहे हैं सब दुआएं लगा रहे हैं हमारे लिए, और तेरे लिए बददुआएं लगा रहे हैं। तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो तू रेडस्टोन लगा रहा है ना भाई, तू देख, हमें नहीं पता हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बट कुछ भी होगा तू ही मरेगा आज। आज हम लोग मर ही नहीं सकते। देख रहा है सामने ये जो अवतार है, ये तुझे मारेगा ही मारेगा आज, किसी भी हालत में तू नहीं बचेगा भाई। अच्छाई की जीत होती है। वही ना, हजारों सालों से यहाँ पे कुत्तों की तरह निगेटिविटी फैला रहा है तू। मतलब कुत्ते वैसे पॉजिटिव होते हैं, पर फिर भी तू हरामी कुत्ता है भाई। This is like a बहुत गंदा हरामी चीज। इसने हमारे दोस्त को हमारे खिलाफ किया, अभी वो किंग ओडिन को भी पता नहीं, उसके कान भर के उसको भी हमारे खिलाफ। मैं बता रहा हूँ, किंग ओडिन को इसी ने पोजेस किया हुआ है, बेवकूफ ने। तू बेवकूफ है समझा? तू कुछ नहीं कर सकता, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये एक नंबर का शकुनी है भाई, सबके कान भरता है हमारे खिलाफ। वो मुझे नहीं लगता कि फलाना भी यही विलन था, इसने उसको कान भरे थे। अभी ये क्या रंगोलियां बना रहा है हमारी? मुझे अजीब अजीब फील हो रहा है भाई, मेरे को भी हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। अरे भाई बट होगा कैसे यार, हम लोग चोट तो मार रहे हैं, लेकिन होगा क्या? अब ये देखो ना, मर जाएंगे हम लोग ऐसे तो। मेरा पूरा सर घूम रहा है। जो होगा देखा जाएगा भाई, अभी हजारों बार मार दे भाई हम लोगों को, पर भाई 1000 एक भी बार आके तेरे को जरूर मारेंगे भाई। ये बंदा खुश हो रहा है भाई, बाहर नाच रहा है ये लिटरली। भाई आज तू ही मरेगा, तू टेंशन मत ले, तू ही मरने वाला है आज। आज कोई चांस दे तेरे बचने का? सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ है, सारे भगवान हमारे। यो ये आवाज कैसी है? ये क्या है? ये कैसी आवाज थी? ये भी ऊपर देख रहा है, इसको इसको भी नहीं पता ऊपर ये कैसी आवाज आ रही है। ये बहुत वीड आवाज है भाई, ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पे आ रहा है, कुछ धमाके हो रहे हैं भाई साहब। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, तेरी बैंड बजनी चाहिए बस, इससे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भगवान से दुआ है मेरी, प्लीज तू गया आज। ओह माय गॉड भाई, बेटे ये वो क्या रहा है? ये कौन है? व्हाट द, ये कौन है? स्मूटी, ओ वो ये नहीं है, अरे ये दूसरे डायमेंशन वाले। व्हाट? अरे ये तो वही है, गिल्विश को नीचे गिरा, नीचे गिरा, उसको पकड़ेगा, मारे उसको। ओह माय गॉड, दिस इज सो गुड। ये एसओ 69 लाइव है, बाहर निकल हमको यहां से। वेलकम टू आवर टाइमलाइन बेबी, वेलकम बैक। Let's go! भाई
आज विजर्ड सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। 69 लैब क्या बोल रहे, जल्दी निकलो, भागो यहाँ से, भागेंगे। वेट वेट, वो कहाँ गया, वो कहाँ, निकाल इसको ऐसे। ओ माय गॉड, स्मूटी लड़ लेगा उससे, तुम बस भागो, भाग भाग भाग, कूदो 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 कूदो, मरना मत मरना मत मरना मत मरना मत। क्या कहेगा? अरे वो जो टाइमलाइन तो ठीक हो गई थी ना, तो ये लोग तो आ ही नहीं सकते थे यहाँ, कैसे आए ये लोग? I have no idea, ड्रीम बाबा तू W दबा के रख। अरे भाई वो सामने लड़ रहे वहाँ पे। अरे भाई ये दोनों कहाँ गए, तुम दोनों क्या पागल हो? चलो यहाँ से निकलो भाई। सुन स्मूटी 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 भाई, अपने को इसको स्मूटी की मदद करनी पड़ेगी। ऐसे भाई इसी भाई अपने को मदद करनी पड़ेगी उसकी। क्या बात कर रहे हो आप यार, वो मर जाएगा वहाँ पे से, स्मूटी लड़ लेगा उससे, तुम बस भागो। अरे यार ये भाई यही की चीज लिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, टेंशन ना लो। अरे भाई टेंशन क्यों ना ले, वो अकेला लड़ रहा है उससे, किलविस से हम लोग कहाँ भागेंगे ब्रो। हम लोग यार उसको हम लोग अकेला छोड़ के नहीं आ सकते, आप समझ नहीं रहे इस बात को, वो कर लेंगे। अरे भाई वो कर तो देगा मुझे पता है, बट सिलो मर भी सकता है ना ऐसे करके। नहीं मर सकता रे, अरे भाई कैसे नहीं मर सकता, आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट कैसे उसको बचा भाई साहब, मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्या हमने पर्ल चेंबर बनाया है, सो डोंट वरी। अरे भाई साहब तुम बस भागते रहो सीधा, भाग ड्रीम भाई, डब्ल्यू दबा के रख, पर्ल चेंबर एक्टिवेट करेंगे, वो बच जाएगा ब्रो। मैंने बोला था ना हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी ब्रो, हम नहीं मर सकते ऐसे। अरे किस्मत हमारे साथ है भाई, उल्टा हम तीनों एक साथ आ गए तो हमारी किस्मत तीन गुना हो चुकी है। अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं ना भाई? ऐसे भाई आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ भाई, क्या डैडी चिल्ले कर रहा भाई, ये दूसरे टाइमलाइन में जाके दूसरा आदमी बन गया क्या? हाँ आप एक बात बताओ हमको, हम लोग यहाँ से एस्केप कर सकते हैं, वो एस्केप रूट क्या है भाई, हम बाहर कैसे जाएंगे हम लोग, उसके बारे में हमको बताओ जल्दी। आप सामने आओ और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताओ, पहले दूर चलते एक बार इसको टेलीपोर्ट करवाते हैं, मैं सब बताता हूँ। हाँ पहले हम लोगों को इसको टेलीपोर्ट कराना पड़ेगा, बूटी पाए को जिंदा बाहर निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम दोनों, जाओ यहाँ से, पीछे पानी चाहिए उनको पहले हाथ में, यार क्या कर रहे हैं। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग दो चार मिनट से लेके भाग रहे हैं। इज़ियो 69 अलाइव, मेरे भाई कहाँ पर है, कहाँ पर है पर्ल चेंबर, जल्दी बता हमको भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। ये इज़ियो 69 अलाइव के इरादे बहुत गलत है भाई, ये क्या बोल रहा है, डैडी चिल वगैरह, ये वही अजीब सी बातें कर रहा है भाई, बट इसने बचा दिया भाई हमको यार, स्मूटी का। अरे श्योर, ओ माय गॉड, अभी वो वहां पे लड़ रहा होगा किलवेश के साथ, और किलवेश को अभी हार्ट अटैक आने वाला है, कर दे भाई ड्रीम बॉय, लेट्स गो स्मूटी भाई, वी आर हियर ब्रो। अच्छा ये भाई ये ब्लॉक लगा के ऊपर जा रहा था, यार देखो भाई लेट्स गो, भागो भागो अभी, भागो तेज भागो तेज भागो तेज भागो, दूर भागो एक बारी, और सारी इन्फॉर्मेशन दूर जाकर दियो तुमको भी एक बारी। ओ माय गॉड व्हाट द हेल ब्रो, बेटा निकल लो यहाँ से, मैं रोकने नहीं वाला अभी अपने कैरेक्टर को, लेट्स गो बेबी। W दबाते रहो भाई। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोग बहुत ज्यादा देर से लेके भागते भागते बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं, एंड 69 भाई अब आप हमें बताओ, और स्मूटी भाई आप भी हमें बताओ कि तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो, एंड तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला, एंड एग्जैक्टली मतलब तुम लोग सब कुछ बताओ यार, ड्रीमी बॉय कहाँ पर है, एंड हम लोग यहाँ से बाहर कैसे आ सकते हैं, क्योंकि अगर तुम दोनों यहाँ से अंदर आए हो, क्योंकि बिना किलविश की परमिशन के कोई अंदर आ नहीं सकता, अगर तुम दोनों यहाँ पर आए हो तो भाई यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तुम लोगों को पक्का पता होगा, बताओ फटाफट सब कुछ एक एक डिटेल बताओ। ऑल राइट गाइस, तो इन लोगों ने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, बहुत ज्यादा क्रेजी चीज है भाई, क्रेजी गई भाड़ में एक सेकंड, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा ही हुआ है। अरे तुम चुप बैठो भाई, मैंने टाइमलाइन वालों के ऊपर एक बार भरोसा नहीं किया था और एक मुंह पे गिरा था, इस बार नहीं, इस बार लोगों को पता गाइस इन्होंने हमें क्या बताया अभी यहाँ पर, ये बता रहे हैं क्योंकि अगर देखो जब हमारी टाइमलाइन की गड़बड़े चल रही थी, तो ये हमारी टाइमलाइन से इनकी टाइमलाइन ऑलमोस्ट एक महीना पीछे चल रही थी, है ना, जब हम लोगों ने वो टाइमलाइन को ठीक किया तो इनकी टाइमलाइन एग्जैक्ट टाइम में जब वापस आई, तो गाइस इनकी जो समय वाली लाइन है वो भाई साहब हमसे एक महीना आ गया, तो इन्होंने हमें बताया कि भाई किलविश ऑलरेडी इनकी टाइमलाइन में जीत चुका है, दिस मींस कि हमारी टाइमलाइन में भी किलविश ही जीतने वाला है, हम लोग किलविश को नहीं हरा सकते हैं, एंड यार इन लोग सीरियसली ऐसा क्यों, पर हम लोग तो भाई कितने यार, हम लोग के पास पावर है, हम लोग के पास क्या कुछ नहीं, हम क्यों नहीं मार पाएंगे किलविश को भाई, स्मार्टी भाई, सुनो 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 प्लीज स्मार्टी भाई, यार सच बोलना यार, ये तो आपको लग रहा है ड्रीम बॉय, पर अगर आप गौर से इनकी बात समझोगे जो उन्होंने बोला अभी यहाँ पर भाई साहब, तब जाके आपको समझ में आएगा सीन क्या है। गाइस अपनी टाइमलाइन के अंदर भी इन लोगों को लगा था जो हम लोगों को लग रहा था, कि हम लोग एक पूरा का पूरा ऐसा अवतार, बड़ा अवतार बनाकर जाएंगे किलविश को मारने के लिए, एंड भाई
इनके साथ भी सेम यही हुआ था, किल्विश इनको लूर करके इनकी टाइमलाइन के डेड हेमलैंड्स के अंदर लेकर आया एंड सेम उसी मशीन के अंदर डाल के सारी पावर्स निकाली, इनको सेपरेट किया तीनों को अलग अलग। और जब ये तीनों को मारने वाला था ना भाई, तो ड्रीमी बॉय ने पता क्या किया, जो इनके वर्ल्ड का ड्रीम बॉय है, मतलब जो ड्रीमी बॉय है भाई, उस बंदे ने खुद को सेक्रीफाइस किया लाइक अपनी वो कोई एक्स के साथ। भी आपका कोई एक्स पड़ी हुई कहाँ है भाई वो एक्स? ब्रो मेरे पास एक्स है, वो लाइक मेरे एंडर चेस्ट में रखे। ए भगवान, तो दे नहीं सकते। ये बोल रहे कि ड्रीमी बॉय बहुत पावरफुल एक्स लेकर आया और लाइक लिटरली इन दोनों को बोला तुम दोनों भागो, मैं अपने आप को सैक्रिफाइस करूंगा। लोग भाग नहीं रहे थे बट इन द एंड उसने खुद को सैक्रिफाइस किया एंड भाई साहब ये दोनों भी मरने वाले थे। ये लोग भाई उस वर्ल्ड को छोड़कर भाग गए, लाइक निकल गए भाई उस पूरे के पूरे प्लैनेट से ही निकल गए, समझ रहे हो तुम लोग। और उस पूरी की पूरी टाइमलाइन को वहां के किल्विश ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसका मतलब गाइस ये है कि यहां की मतलब हर एक ब्लॉक, हर एक स्नो ब्लॉक, हर एक सब कुछ खत्म। इनके अकॉर्डिंग हमारी टाइमलाइन भी डिस्ट्रॉय होने वाली है, किल्विश पूरी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करने वाला था। और जब उस जगह को छोड़कर ये लोग कहीं और चले गए, इनको एकदम से याद आया कि हमारी टाइमलाइन इनसे एक महीने पीछे चल रही थी, सो ये हमारी मदद करने के लिए ताकि हमारे इस टाइमलाइन के अंदर कोई भी ना मरे। तो गाइस अभी इसने मुझे बोला है SGO शिक्षण अलाइव ने कि इसको वो लोकेशन पता है कि एग्जैक्टली कहां पर वो चीज आने वाला है, कि यहां से बाहर निकलने का फेक पोर्टल कहां पर आने वाला है, कितने ऑलमोस्ट कितने 12 से 13 मिनट के बाद आने वाला है ना। तो भाई लेके जा, जल्दी लेके जा वहां पे, हम लोगों को गाइस अब यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड हमारी किस्मत अच्छी है कि ये दोनों हमारी मदद करने आ गए। बट यार मेरे को बहुत दुख रहा ड्रीम भाई, ड्रीमी भाई ने खुद को सैक्रिफाइस किया। तो मैं सांप हरामी कुत्ता समझता था और तूने हम लोगों को बचाया और मर गया खुद। वो मेरा दोस्त था, उसका जीरो ब्रेन भी मेरे को पक्का पता है गायब हो गया होगा भाई, उसे छोड़ के ऐसे मेरे को हीरो ब्रेन हुआ, नहीं तो बच जा। अबे उसका मतलब ये तो नहीं है, वियर्ड भाई, स्मार्टी भाई, उसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां पे ये हुआ है तो यहाँ पे भी मुझे exactly ये होने वाला था भाई। आप सैक्रिफाइस करने, इन्होंने बचा दिया, अभी कोई किसी को सैक्रिफाइस नहीं करेगा, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग मारेंगे उसको। वहां पर कोई बिजली चमकी भाई, ऐसा लगा कोई सिग्नल दे रहा है मेरे को, आई हैव नो आइडिया भाई क्या हुआ, क्या छोड़ो ऐसे भाई, जल्दी लेके जल्दी लेके जल्दी लेके चल। एंड बाय द वे तुम लोगों ने अभी हमको बोला कि तुम लोग यहाँ पे कोई और मिशन के लिए भी आए थे, लाइक हमको बचाने तो आया था बट तुम लोग कुछ और भी यहाँ पर करने वाले, वो क्या चीजें बताओ यार हमको वो भी। एंड बाय द वे गाइस SGO भाई ने SGO 69 अलाइव एंड हमारे स्मूटी भाई ने हम लोगों को ना बता दिया है कि एग्जैक्टली हम लोग वो क्या कर सकते हैं जो इनके साथ हुआ ना, लाइक जो किल्विश जीता वो हमारे साथ ना हो, हम लोग किल्विश को कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि हम उसको हराएं, इसने बता दिया। हम लोगों के पास इतना दिमाग पहले नहीं था क्या, हम क्या कर रहे थे भाई, मुझे समझ नहीं आता है भाई। देखो दिमाग हमारे अंदर था पर हमारी गलती नहीं थी भाई। गाइस इसने बोला है कि अगर किल्विश को मारना है ना तो भाई तुम लोग मार ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर से पावर्स इजीली निकाल देगा। होगा लाला इज द की, होगा लाला को लेकर आओ, होगा लाला इज द वन जो किल्विश को मार सकता है। बट गाइस अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि होगा लाला गायब है हमारी टाइमलाइन से, पता नहीं कहाँ भाग गया है वो। अरे भाई हम लोग के साथ ही क्यों हमेशा ऐसा होता है भाई, उसको हम लाएंगे कहाँ से पकड़ के, हम लोग इस टाइमलाइन में कहाँ होगा वो। तो पकड़ के लाना ही पड़ेगा हम लोगों को, दूसरा कुछ टेंशन मत लो, टेंशन मत लो गाइस, गाइस तुम लोगों को उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो मैं ला दूंगा, वो जिम्मेदारी मेरी है भाई। क्या बात कर रहे हो आप, कैसे लाओगे? अरे भाई वो जिम्मेदारी मेरी है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो मेरी जिम्मेदारी है। होगा लाला को लेकर मैं वापस आऊंगा एंड अगर ये चीज लिखी हुई है ना कि होगा लाला को सिर्फ और सिर्फ किल्विश को सिर्फ और सिर्फ होगा लाला मार सकता, तो भाई वही होने वाला। ओ भाई अलग से ब्लॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, व्हाट द हेल भाई, यही है SGO, यही है क्या स्मूटी भाई, यही है ब्रो, यही बोल रहा है, यही बोल रहा है। बाय द वे गाइस इन्होंने हमें बताया कि ये जो फेक पोर्टल वाली जगह ना, ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि मान लो डेड हेमलैंड्स के अंदर से नॉर्मल हेमलैंड में जाना है तो इस कोऑर्डिनेट का स्क्रीनशॉट खींच दो और यहाँ पे आ जाओ हर बार, नहीं ये चीज ट्रैवल करती रहती है बार बार, ये बार बार ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। और जब ये यहाँ पर ऐसा होता है ना गाइस, तो इसीलिए इस जगह से बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इनको ये चीज पता थी क्योंकि भाई साहब इन लोगों के साथ ऑलरेडी ये चीज एक बार कांड हो चुका है। तो भाई ये काम करे कूद जाए क्या, ऐसा पता चले उससे पहले यहाँ पर गायब हो गया क्या। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि हम यहाँ क्यों आए, पर गुस्सा ना करना। अरे पर बात क्या है, ये तो बता, गुस्सा करे ना करे वो तो बात की बात है, बातें छुपा रहे हैं भाई। ये भाई भाग गए भाई, इनके सारे लोग मर गए, ये दोनों ही जिंदा है, कुछ तो छुपा रहे हैं भाई ये लोग। बताओ बताओ भाई ये जिंदा कैसे रहे भाई, बताओ फटाफट बताओ तुम लोग यहाँ पर क्यों आए थे, मतलब ऑफ कोर्स तुम लोग हमें बचाने तो आए थे यहाँ पे, बट बताओ जरा एग्जैक्टली क्या सीन है। ऑल राइट गाइस, भाई क्या कह रहे हो, एक सेकंड एक भाई, मैं मार, रुक जा, भाग कर आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, रिबा रोक रोक, नहीं रुक, मैं घुमाऊंगा ही नहीं मुंडी, मुंडी तो मैं घुमाता हूं, मुंडी तो मैं घुमाता हूं भाई, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं हिलूंगा ही नहीं। हां ठीक है, कर लो कर लो भाई, ये हलवा है क्या, जो भी करोगे कुछ भी कर लोगे बेटा, ड्रीम बॉय बस की भी कोई बात नहीं होता, ड्रीम बॉय इट्स ओके ड्रीम बॉय। भाई भाई आमिर खान ने बोला था एक मूवी में कि भाई लड़की ट्रेन एक जाती है तो दूसरी आती है भाई, अरे ड्रीम रुक जा, एक जगह खड़ा रह, एक जगह खड़ा रह,
भाई इन लोग के बस की इनके सामने इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बात करने की भाई मैं इनको फेल दूंगा। अरे नहीं रुक जा रिमा मत मार। अरे एस जी आप लेफ्ट क्लिक कर रहे हो क्या कर रहे हो पागल हो क्या आप कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ भाई चेल यस चेल ड्रीम भाई मेरी बात सुनो कुछ भी नहीं हुआ है गाइस बाय द वे इन लोगों ने बोला है कि क्योंकि इनके टाइमलाइन के सभी लोग मर चुके हैं सभी लोग मर चुके हैं तो इनको यहाँ पर वापस आकर इनको एकदम से याद आया कि हम लोग भी मुसीबत में होंगे प्लस इनके टाइमलाइन का कोई इंसान हमारी टाइमलाइन के अंदर फंसा हुआ है तो नहीं मतलब रखा हुआ है हमने वो है किमोची तो इनको किमोची को वापस लेना है कि ये बोले कि एटलीस्ट कोई जिंदा इंसान हमारी टाइमलाइन का होगा तो भाई हम एटलीस्ट लाइक तुम समझ रहे हो ना भाई मतलब वो तेरे नसीब में होती तो तुझे मिल जाती है और तेरे नसीब में है ऑलरेडी किमोची इस टाइमलाइन की किमोची को वापस लेने आया भाई, सुनो मेरी बात अगर उस किमोची को किसी ने हाथ लगाया ना तो ड्रीम बॉय से बुरा कोई नहीं होगा वो हमारे टाइमलाइन की थी नहीं वो आपकी हुई कैसे यार भाई कुछ नहीं होता भाई इट्स ओके यार इस टाइमलाइन की टाइमलाइन इन दोनों की शक्ल देखो आपके सामने दो बंदे खड़े इनकी शक्ल देखो एक बार यार इन दोनों का सब लोग मर चुके हैं भाई कोई इनका जिंदा नहीं बचा है तो इनकी किमोची इनके टाइमलाइन के लाइक इंसान है यार तो ये चाहते हैं कि वो इनके साथ रहे एटलीस्ट कम से कम भाई क्यों चाहिए जब मर गए तो मर गए हैं ना वो यहाँ पे जिंदा है जिंदा रहने तो भाई उसको एटलीस्ट तुम में से कोई जिंदा तो है भाई एक सेकंड सबसे ज्यादा सेफ वो मेरे साथ है भाई यहाँ पे ठीक है तुम लोग ड्रीमी बॉय को जानते थे ड्रीम बॉय को नहीं जानते हो तुम लोग भूत बना दूंगा मार मार के कोई बात नहीं ड्रीम बॉय आप डब्ल्यू दबा हमको वहां जाना है उसके अंदर वो वहां से गायब हो जाएगी वो जगह वापस जिंदगी में वापस नहीं आया तो हम लोग नहीं होने वाले ड्रीम बॉय हम लोग पोर्टल नहीं जा पाएंगे हिल यहाँ से अरे पागल इंसान तो नष्ट हुए हिमलैंड के अंदर किमोची कैसे रहेगी उड़ती रहेगी हाड़ में जाए भाई ये लोग मेरे को जाना ही नहीं है इनके साथ ये क्या बोल रहे हैं इनको भाई तुम लोग मेरे दोस्त हो या इनके दोस्त हो देखो इतना प्यार में अंधा मत हो लड़की ट्रेन और बस एक आती है तो दूसरी एक जाती है तो दूसरी आती है भाई वो भी अच्छी वाली समझो आप WSD छोड़ दिया रिजा चल आगे चल मैं मुट्ठी घुमा सकता हूँ देखो इधर किमोची या लड़की की बात नहीं है अगर मेरे से लाइब्रेरियन के बारे में भी यही कहते ना तो भी मैं यही कहता वो लोग मेरे दोस्त हैं भाई मैं अपने दोस्तों को ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ कुछ भी कह रहे हो यार तुम लोग भी मेरे दोस्त हो भी नहीं है वो मरेगी भाई वो सिर्फ उनके साथ जाएगी आप मिलने चले जाना बाद हाँ, में मिलने चले जाना बाद में भाई इसको ड्रीम बॉय प्लीज डब्ल्यू दबाओ हमको जाना है हमको जाना है ये गायब हो जाएगा सामने से जगह प्लीज समझा करो मैं नहीं जाऊंगा नहीं किमोची को कॉल कर रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ क्या ड्रीम बॉय मेरी बात सुनो ड्रीम बॉय सुनो अभी आप अपने बारे में सोचो आप एक चीज सोचो अभी इस वक्त क्या किमोची को पता है उसके टाइमलाइन के सभी लोग मर चुके हैं इन दोनों की शक्लें देखो साथ साथ में क्या उसको पता है कि वो मर चुके सारे लोग उसको नहीं पता जब उसको पता चलेगा कि उसके परिवार वाले सब मर चुके हैं एंड उसी के टाइमलाइन के दो लोग उसको अपने साथ रखना चाहते हैं तो आपको लगता है कि वो मना कर सकती है सोचो थोड़ा इमोशनल होकर सोचो इस बारे में भाई उसने तो आपकी जान बचाने के लिए मेरे साथ आ गई थी वो भाई वो बहुत सेंटी है आपको मानना पड़ेगा ड्रीम बॉय समझा करो उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है भाई आप दोबारा मिल अच्छा एक बात सुनो भाई तुम दोनों बताओ सामने क्या बोलते हैं अगर ये उससे मिलने आएगा मिलने दोगे ना भाई ऑफ कोर्स मना तो नहीं करोगे जैसे ये दोनों आए हमारे यहाँ पे रहेंगे जैसे नहीं ये दोनों यहाँ से जाने वाले है बाय द वे ये बोल रहे कि हमको अपनी अलग जगह पे जाना है बट किमोची को लेकर जाएंगे वो हमारे साइड की बंदी है एंड इन्होंने ऑलरेडी उसको बाहर खड़ा किया हुआ है पोर्टल के दूसरी साइड जहाँ पर अभी हम लोग जाने वाले हैं गुड बाय कर दियो कोई दिक्कत की बात नहीं है इट्स ओके अरे भाई मैं कैसे मान जाऊं क्या कह रहे हो भाई तुम लोग किसी मतलब बिना वेट ये लिख रहे वो मान गई है वो रुकी है पोर्टल के उस पार ड्रीम बॉय वो मान गई है वेट एक सेकंड उसको जाने दो वो तैयार है हमें क्या प्रॉब्लम है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यस एक सेकंड अब मेरे को ये बताओ तुमने बताया कि ड्रीम बॉय को हमेशा के छोड़ के लिए जाना पड़ेगा लाइब्रेरियन को छोड़ के जाना पड़ेगा हां वो मान गई इस बात के लिए ड्रीम भाई उसको जाने दो वो और वो तैयार उसको What? जाने दो ड्रीम भाई उसको वो जाने कैसे दो। मान सकती है उसने खुद बोला ये मान चुके हैं वो किसने बोला होगा भाई इट्स ओके ड्रीम भाई बहुत टाइम वेस्ट हो गया ये गायब हो जाएगा बोतल भाग डब्ल्यू दबा अबे यार वो भाई अगर उसने ऐसा बोला है तो यार नहीं लेट्स गो ब्रो उसने बोल दिया ना ऐसा ठीक है ओ भाई मैं एक्चुअली डर गया था मेरे को लगा कि यहाँ पे वाटर क्लच कर पाएगा ऐसे कि नहीं कर पाएगा बट हो गया यार दिस इज नाइस एंड देख मुंह के सामने क्या बोला था हम लोगों ने देख किमोची सामने खड़ी भाई यार ये तो सही में नीचे है भाई यकीन नहीं हो रहा है मेरे को
अरे बट अभी नीचे मत जाना, बिल्कुल नहीं मार दो बेचारा यार। देख लो अभी इनका लास्ट वाले मोमेंट चल रहा है भाई। आपको लड़की बस और ट्रेन कभी पीछे नहीं भागते भाई, एक अरे तो चार आती है। पल मारो भाई, आप समझ नहीं रहे हो यार। गुड बाय बोलोगे वो रोने का नहीं भाई, मैं बता पल मारो भाई। ठीक है मार रहा हूँ मार रहा हूँ, ये लो भाई। ये जो इतना मत तड़पाया करो यार, लैटरिन भाई। अरे यार खुल के बात कर, दोस्त की चिंता में बोल रहा हूँ भाई। मेरे को बात करने दो। खुल के बात कर। क्या ये तेरा डिसीजन है सच में? तू सही में खुद से जा रही है? ठीक है मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ फिर। अगर तेरा डिसीजन है तो भाई तू ध्यान रखियो अपना। आई डोंट नो, मैं से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ भाई। जाने वाले को कौन रोक सकता है? इट्स ओके इट्स ओके, ठीक है। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है अभी। एक मिनट में मुझे भी कुछ बोलना है। नहीं 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 नहीं, मत बोलियो मत बोलियो, वो ना बोलियो बस। तुम्हें कहा था क्या बोलने वाला, ये दूर भगा रही हूँ। इमोची को नहीं बोलना, इमोची को नहीं बोलना, ठीक है? ज़ीरो लाइन बोलो ड्रीम में, क्या बोलना चाहते हैं आप इसको आखिरी में? ब्रो लाइक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ भाई, वो उसका डिसीजन है भाई। ठीक है ओके, हैव अ नाइस लाइफ इमोची, एंजॉय बाय। चली गई भाई, तो सबसे पहले यही भाग के गई यार। ये था इसका प्यार आपके लिए? ए भाई दोस्त थी वो मेरी। ये इमोशनल अभी, ये ना ये एक्चुअली अभी ये अभी एक्चुअली इमोशनल है, इसलिए भागते हुए गई है, ठीक है ना? वेट क्या लिख रहनी चाहिए? ड्रीम बॉय रो मत, की मोची का हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑफ कोर्स आप लोग ध्यान रखोगे, मुझे पूरा यकीन आप पे, ड्रीम बॉय का आप पे पूरा यकीन। आप जाइए आराम से, हैव अ नाइस लाइफ एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। एंड भाई लोग आ जाओ, विजर्ड यहाँ है। और चलो भाई अभी विजर्ड तेरे को हमारे साथ चलना है, तू तो वैसे सब कुछ। अरे भाई यार कुछ भी यार, पर्ल मार के चलना है यहाँ से बाहर भाई। हम भी चलते हैं यहाँ से गाइस। अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा एक ऐसी जगह पे जहाँ पर अब हम लोग होगा लाला को लेकर आएंगे। तुमने टेंशन मत लो, बाय बाय गाइस, बाय बाय। इधर को ले आएंगे भाई, अब तो ले आएंगे। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो ड्रीम भाई, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई ठीक है यार, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो 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 चलो, फाइनली हम लोग वापस यहाँ पर पहुंच चुके हैं यार। उदास नहीं रहने का बाबा, बहुत दुखी है भाई तब से लेकर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोई नहीं भाई छोड़ो यार, बट अभी हम यहाँ क्यों आए हैं ये तो बताओ। देखो मैं तुम लोग गाइस, मैंने आप लोगों को क्या बोला था इससे पहले कि हम लोगों को अभी होगा लाला को ढूंढना है। होगा लाला को ढूंढेंगे कैसे भाई? मैंने पूरा जुगाड़ रखा हुआ। देखो तुम लोग यहाँ पे अभी गाइस, होगा लाला की दाई माँ को बुलाओ, जल्दी जल्दी बुलाओ, ठीक है ना? फटाफट बुलाओ होगा लाला की दाई माँ, होगा लाला की दाई माँ, होगा की दाई माँ। अगर आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। आरिया नाइस भाई, मुझे गिरने की आवाज आई, क्या होगा लगी दाई माँ? भाई, भाई ये बंदी आजकल आई थिंक ऊपर से नीचे गिरी दाई माँ। ओ फाइनली यू आर हियर, हेलो दाई माँ। बाल काले करके आई है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अभी मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, आपके पूरे पैरों तरह जमीन खिसक जाने वाली है, मजाक नहीं करूं मैं। दाइमा हमें इंफॉर्मेशन पता चले कि किलविश को सिर्फ और सिर्फ होगा लाला मार सकता है, तो जो हमारा इतना बड़ा अवतार हमने बनाया हुआ ना, ये किसी भी काम का नहीं है, ये उसको नहीं मार पाएगा, इतनी पावर इसके अंदर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ होगा लाला। एंड आपको बताना होगा लाला इस वक्त पता नहीं कहां भाग चुका है, तो भाई उसको सिर्फ और सिर्फ आप लेकर आ सकते हो। देखो मुझे पता है आपने बहुत कोशिश ऑलरेडी कर दी उसको वापस लाने की, वो नहीं आया वापस, लेकिन आपको उसको बुलाना पड़ेगा। तो दाइमा कुछ भी हो जाए आप ही हो जो उसको लेकर आ सकता, आपको लेकर। What the hell? Yo! भाई साहब। No! पहली बार भाग भाग रही है भाग। ड्रीमर तू कर क्या रहा है भाग? मेरे कंट्रोल्स गायब हो चुके हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? क्या? कंट्रोल्स नहीं चल रहे हैं, कम मैं मैप कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ पैर को। दाई मैं भी दिल पारी वहाँ पे, दाई मैं भी दिल पारी वहाँ पे। मैं ट्राई करता हूँ। ब्रो मैं WS जीत पा रहा हूँ, मार का समय नहीं पा रहा हूँ। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा स्मार्टी भाई, नहीं हो रहा। दाई मैं भाग, दाई मैं भाग, दाई मैं भाग। तू भाग नहीं पा रही है, ये भी नहीं भाग पा रही है, ये भी नहीं भाग पा रही है। Oh shit, किलविश, किलविश, oh my god, ये कितना गंदा लग रहा है दिखने में। Oh shit, dude, मैं सिर्फ FI दबा सकता हूँ भाई, मैं उसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तेरा भूत बना दूंगा मार मार के मैं, हमें छोड़ दे। ये बंदी को भाई कैसे मार सकता है? इसने क्या बिगाड़ा तेरा? अबे दादी का ऐसे है, इसको इसको आप, हाँ इसको आप, इसको हवा में रखो आप बस, ठीक है ठीक है। ये आपने शील्ड रखो आप बस हवा में। ब्रो मैं सीरियसली बता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एसियो, बहुत बढ़िया एसियो। नो एसियो एसियो, ध्यान रखो एसियो, ध्यान रखो एसियो, ध्यान रखो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, क्या कह रहे हो? मैं कहां गया हूं? रिमा 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 WSC तोड़ दो भाई, बस स्पैम कर, स्पैम कर WSC, स्पैम कर, भाग रहा हूं यहां से। ओके हम लोग मरने वाले, हम लोग मरने वाले हैं। ऐसे खाने को, खाना 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 को, खाने को, जल्दी खाने को, जल्दी खाने को, जल्दी खाने को। मैं मरने वाला, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अपने हाथ मरने वाले गाइस, अपने हाथ इसको, हम लोग मरने वाले एक्चुअली में, ऐसा हो नहीं सकता। दाइमा नीचे बुला उसको जल्दी, दाइमा उसको बुला, उसको बुला, होगा लाला को बुला जल्दी, टाइप करिए होगा, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कंटिन्यू कर, हम लोग मरने वाले, हम लोग मरने। और टाइप कर नीचे, और टाइप कर, जल्दी टाइप कर नीचे,
और टाइप का जल्दी नीचे पाल मार के निकल जाओ पाल नहीं रुको पाल नहीं माना पाल नहीं माना पाल नहीं माना पाल नहीं माना पाल हमारे पास एचपी बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास एचपी बिल्कुल भी नहीं है ठीक है ना बिल्कुल आपने कुछ ये क्या कर रही है ये नाच रहा है हमारे आसपास पता नहीं क्या ही रोमांस चल रहा है यार उसका भाई ये बंदा नाच रहा है दाई मां तू टेंशन मत ले कुछ नहीं होगा तेरे को कुछ नहीं होगा तेरे को बजाने अभी हम गाने ही बजा दे भाई तेरे लिए ये क्या किलविश हमें छोड़ मारो मारो ऐसे शाबा मारो उसको मारो चिता मार सकते हो रुक किलविश गंदा इंसान है भाई ये अगर अभी किलविश ने किया दाई मां आप मत मारो उसको प्लीज ठीक है ना आपके को भाई मैं लिटरली बोल रहा हूं हम लोग हिल ही नहीं पा रहे यहां से व्हाट द हेल कर सकते हैं हम हाथ नहीं मारेंगे भाई जो क्या करोगे आप खाना खा सकते हो आपसे खाना खा लो बस फटाफट ठीक है ना ओए खाते रहो खाते रहो खाते रहो ये क्या हो रहा है नहीं रुकना नहीं ये क्या हो रहा है मैं खा नहीं पा रहा खाना ब्रो इससे कुछ तो ग्लिच कर दिया यहाँ पे हम खाना नहीं खा पा रहे हैं स्वे टू गॉड मैं खाना नहीं खा पाया अभी यहाँ पे एसडीओ व्हाट यार ऐसे तो हम लोग मर जाएंगे यार हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा गाइस मरने वाले हेलो मरने वाले गारंटी गया भाई इसका एक बार और हम लोग मरने वाले हैं यो बॉयज हम तो खाना भी नहीं खा पा रहे यार मरने वाले नहीं है हम लोग मर चुके हैं भाई दिस इज एंड ऑफ हिमलैंड्स गाइस हम लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं दिस इज इट ब्रो यही था हमारा सफर ये क्या सीन चलो एटलीस्ट एक साथ तो मर रहे हैं हम लोग सारे एक साथ मरेंगे एक्चुअली में अभी यार ये क्या कर रहे हैं दाइमा को मार रहे हैं रेस्ट इन पीस गाइस दाइमा नीचे लिख रही है ओम शांति आ जा होगा लाला प्लीज गाइस अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई दिस इज एंड ऑफ हिमलैंड्स यार इस बंदे को एक बार देखो तो सही है कैसे नाच रहा है भाई ये बहुत ब्रो इविल जीतने वाले क्या आज तड़पा तड़पा के मार रहा है भाई वो बेसिकली उसको पता है अभी मरने तो वाले ही है और इसको पता है कि अब हम लोग मरने वाले और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं पूरे तरीके से खुश हो रहा है भाई ये बंदा बॉयज मैं बोल रहा हूँ हम लोग मर चुके हैं भाई दिस इज द एंड अगर तेरे अंदर हिम्मत है बदसूरत तो हमको हाथ खुले रख खाना खाने की इजाजत दे हमको फिर तेरे को बताते हैं हम लोग पकौड़ा कहीं का एक नंबर का घटिया इंसान दाई माँ को टच मत कर दाई माँ को टच मत कर तेरे को मैं काट दूंगा भाई अगले जन्म में फिर से पुनर्जन्म लेके आई एम नॉट इवन जोकिंग मैन मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है भाई इस बंदे के ऊपर अभी सीरियसली बता रहा हूँ मैं भाई अगर अभी मेरे हाथ खुले होते ना इसको तो मैं अभी यहाँ पे बताता माँ कसम ऐसा पेलता ना इसको मैं खड़े खड़े ना यहाँ पे कि भाई इसका पूरा खानदान भी याद रखता सीरियसली बता रहा हूँ मैं कितना अजीब लग रहा है ब्रो इसको देख के व्हाट ये कितना डरावना है भाई मेरे को डर लग रहा है अजीब सा आई एम नॉट ये क्या केस है व्हाट व्हाट द ये हमको कंट्रोल कर रहा है ये हमको कंट्रोल कर रहा है अरे मैं शिफ्ट भी नहीं कर सकता मेरे वेपन्स व्हाट ये भाई कुछ अलग ही कांड कर रहा है हमारे साथ ये मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई ब्रो ये हमको हवा में ले रहा है ये हमको हवा में ले रहा है ऊपर कहीं पे हम लोगों को हम पॉल कर सकते हैं नो 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 पॉल ट्राई करो पॉल ट्राई करो पॉल की ट्राई करो जियो मैं शिफ्ट नहीं कर पा रहा भाई कोई भी इन्वेंटरी अरे ये हमको हवा में लेके जा रहा है ओ शिट डोडी हमको ऊपर से नीचे गिराने वाला है ऐसे हमारे हाथ में तलवार है हमको ऊपर से नीचे गिराने वाला है मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मर जाएंगे भाई ये तो हमारा ओ शिट मैन गाइस बाय बाय कर रहा हूं सारी चीजें आई एम नॉट श्योर मैं क्या करूं मैं लबा रहा हूं तीन यार पर्ल के ऊपर शिफ्ट ब्रो दिस इज इंपॉसिबल भाई अब क्या करें कैसे बचेंगे हम लोग अभी मौत ही होगा भाई और क्या होगा ये हमको ऊपर लेके कहाँ ले रहा है भाई भगवान के पास ले रहा है क्या तो तू ही मरेगा भाई खुद भगवान के पास जाएगा तो शिट डूड वी आर डेड मैन भाई इसने हम लोगों को इतना ऊपर लिया हुआ है ना कि हम लोग अभी जमीन से बहुत ही ज्यादा ऊपर है भाई देर इज नो वे कि अब हम लोग यहाँ से बच सकते क्योंकि हम लोगों के हाथ में तलवार है हम लोग क्लच भी नहीं कर सकते भाई मार ड्रीम अरे ऐसे इसको मार तो सही एक बारी मारो इसको तलवार चलाओ ऐसे मत जान दो इसको साइड में देखो What? Yo! This is so good, dude! Oh my god! बचा दे, भूगलाला बचा दे, भूगलाला बचा दे. You are so good, dude. भाई मार इसको हमें मत मार, इसको मार, बहुत बढ़िया. Let's go. छोड़ गया. हम लोग नीचे गिरने वाले हैं. Yo! Switch कर, हो रहा है, switch हो रहा है. मैं कर लूँगा. Yeah, let's go. Bro, what the hell? Daima, you are safe. खाना खाओ. Finally, bro, हम लोग बच गए. होगलाला मार रहे हैं उसे देखो ना. कहाँ है होगलाला? Let go. हम लोग कर सकते हैं भाई. भाई लोग आज कुछ भी जाए. ये वाली फाइट हमारी छुट्टी नहीं चाहिए. आज तो किलविश को मरता हुआ देखेंगे. ये क्या हुआ? भाई ये क्या है? साधे रखे. ऐसे हो? आप में? ड्रीम बॉय अब्दुल मेरे से बाहर आ गए. What the hell? Bro, मेरा साइज नॉर्मल हो गया. Blast क्यों हो रहा है? इधर ही किधर गए वो लोग मेरे सामने जल्दी आओ
माय गॉड दिस इज सो गुड यार यार, पर ये नहीं पता कि वो ए वेट वेट ड्रीम बॉय आप व्हाट आप ऐसे हो मेरे साथ चलो टाइम मेरे साथ चलो ऐसे ड्रीम बॉय आप कहीं रुकना पड़ेगा दूर से देखना पड़ेगा क्योंकि आप ओकल वाले के सामने नहीं आ सकते आपको देखकर गलती से ट्रिगर हो गया सारी फाइट खराब हो जाएगी रुको रुको नहीं यार आप दूसरे देखो दूसरे देखो जल्दी दूसरे देखो जल्दी आओ एसजीओ एंड दाई मां जल्दी आओ यही तो असली मोमेंट है जिसको देखना है हम लोगों ने भाई जल्दी आओ मिस नहीं होना चाहिए गाइस लाइक मारो भाई इस चीज के लिए आज तो मजा आ गया भाई इतना लंबा एपिसोड आई थिंक तुम लोगों ने कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा एंड अगर तुम लोग अभी तक रुके हुए ना एपिसोड नहीं था ये पूरा पिक्चर था भाई पूरी पिक्चर है भाई लिटरली बोला गया अभी तक तुम लोग रुके हो ना भाई आगे का जरूर देखो एंड इंस्टाग्राम पे टैग करो अपने फेवरेट मोमेंट्स के साथ सबकी स्टोरीज पे लाइक बजने वाले भाई मजाक नहीं करो मैं ठीक है ना भाई जल्दी करो और ढूंढो एसजीओ कहां है वो लोग और सच बोल रहा हूं गाइस इस पिक्चर को बनाते बनाते ना हम सबकी पिक्चर बन चुकी है भाई सच बोल रहा हूं बहुत बुरे हाल हो चुके बट भाई इट्स Everything is worth it, man. I'm not even joking. अरे कहाँ पे लड़ रहे भाई हमारी पूरी पिक्चर मिस हो जाएगी एसजीओ यो क्या बाहर दिखे मैं दूर से देख रहा हूँ ऐसा मार भाई होगा लाला तुझे मारना इसको कम ऑन डूड तुझे मारना ऐसे नजदीक मचा ऐसे नजदीक मचा ऐसे नजदीक मचा आप मर जाओगे भाई आपको क्यों लग रहा है कि आप इनको देखोगे नजदीक से हो जाएगा सब कुछ नीचे चले गए भाई दिख नहीं रहे कोई नहीं होगा लाला साइड में लेके मार इसको भाई पिक्चर हमारी मिस हो जाएगी लास्ट वाली यार ए दिख रहा है मुंडे दिख रहे हैं दोनों की ऐसे रुको आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इनसे लड़ सकते हो अगर अभी किलविश वापस आया ना आपकी तरफ एक फटके में मार देगा आपको वो पता है ना मैं हेल्प करने के लिए सोच रहा था माय गॉड क्या लड़ रहे हैं भाई ये दोनों तगड़ा ही लड़ रहे हैं भाई ओ शिट डूड एक्चुअली बहुत क्रेजी लड़ रहे हैं भाई लेट्स गो मैं यहां से ही मार रहा हूं भाई एसजीओ हम लोगों के पास एक्चुअली में यहां पे इसी की कमी थी होगा लाला की कमी था हम तो फालतू में आए भाई ये उस टाइम पे अगर आ जाता तो भाई कितना बढ़िया होता ब्रो मार 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 अरे भाई नॉक आउट मार उसको ये शिट डूड कम ऑन होगा लाला यू हैव टू डू दिस मैन You have to do this man. भाई इसने कंट्रोल में रखा था अभी आजादी का समय है भाई मार उसको इसको ऐसा मार किसके पूरा खानदान याद रखे पूरा खानदान याद रखे इसका मार इसको पागल हो बाप पीछे हो एसजीओ अगर आप मरे ना यहाँ पे ना तो आपकी आत्मा को मैं घुस के मारूंगा आपके घर में मजाक नहीं करो मैं दूर से मारो मेरे वहां से जो एंगल आ रहा है भाई भाग एसजीओ मैं तो बहुत दूर निकल गया हूँ मैं बहुत दूर निकल गया एक्चुअली तुम दोनों भागो बहुत भाग पाओगे शाबाश भाग बहुत बढ़िया भाई मेरे यहाँ से क्या एंगल आ रहा है ना भाई तुम लोग भी यहीं आ जाओ मैं तो भाई ये बहुत गंदा लड़ रहे हैं भाई ये मैं मजाक नहीं करो भाई यो उड़ गया हवा में भाई गुस्सा आ गया इसको बहुत गंदे वाला गुस्सा आ गया इसको मार इसको ये ना कर रहे डर रहा है बंदा मजाक नहीं करो भाई डर रहा है बंदा पुलिस व्हाट द हेल बहुत बढ़िया भाई मना कर रहे इसने शॉट फेंक दी अपनी फड़ी है इसकी फट गई छूट हो गया इसकी फट गई छूट हो गई वेट एसजीओ मैं आ रहा हूं जल्दी आ जाओ स्पाइडर मिस हो मैं पहुंच गया भाई व्हाट द हेल क्या सीन है गाइस जल्दी आ जाओ भाई क्या ये मैं क्या मैं ये सही देख रहा हूं कि होगा लाला के हाथ में ट्राइडेंट और इसकी फटी हुई सामने बोला था ना कि आज तू मरेगा और हम लोग हंसेंगे लास्ट में अब देख यहाँ पर कौन हंस रहा है और कौन रो रहा है अरे अभी हम लोग क्यों इतने ज्यादा आर्मर भी रहे भाई निकालो भाई आर्मर अरे आर्मर क्या भाई मैं तो हाथ भी खाली रख दूंगा भाई अपने रियल एंड बॉयज होगा लाला मार दे से
What the hell, boys? ये मर गया भाई, ये मर गया। स्मार्टी भाई, this is the real end, bro. This is the real end. मुझे ये करना था, मुझे भी करना था, मुझे भी करना था, मुझे भी टी बैक करना था, इसको देखो मुंह पे पिछवाड़ा मारना था। मुझे भी आना था, ये होगा लाला कब जाएगा भाई, मेरे को आना है। ड्रीम बॉय, और कैसा लगा? आप कहाँ से देख रहे हो? आप पहाड़ के ऊपर से देख रहा है, वही है पक्का, ये बंदा रेंडर नहीं हो रहा है, देख वही से रहा है लौंडा। अरे मैंने वो भी ले रखा है भाई, वो ग्लास नहीं होता है, हाँ हाँ, देखने वाला। अरे नाइस ब्रो, नाइस ब्रो, गाइस This is the real end यार, मजा आ गया भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। As you, अब आप प्रोफेसर को बुला के इसकी लाश को टेलीपोर्ट करा सकते हो ना, ट्रांसपोर्ट करा सकते हो ना, ऐसे ट्रांसपोर्ट उसका धंधा तो उसने खोला हुआ है भाई, इसको मम्मीफाई कर देंगे भाई, इसको इसकी इसकी लाश को हम लोग जलाएंगे ना, इसको मम्मीफाई करेंगे एग्जैक्टली, ताकि जिंदा ना हो, वी हैव टू मेक श्योर जिंदा ना हो। हाँ अब देखो एक डील है भाई, की इसकी लाश को भाई जो भी मम्मीफाई जो भी करना है भाई, उसके बाद किंगडम के नीचे कटवा दोगे क्या? अरे हर कहीं भी भाई, तुम लोग जहाँ बोलोगे भाई वहीं कटवा देंगे एकदम से। तो इसको सोल सैंड के अंदर डकड़वाना चाहता हूँ। अरे सोल सैंड क्या भाई, इसको तो मैं बिना सोल सैंड के लावा की लेक के नीचे भाई ऐसी जगह गाड़ूंगा जैसे कभी वापस नहीं आ गया लौंडा भाई। भाई इसके 100-100 ग्राम टुकड़े करके लेके जाओ भाई, सब अपने अपने भाई। साहब दिस फाइनली वो दिन आ चुका है भाई, जिस दिन मरेगा हमारा किल, मर चुका है। इसको क्या हो गया? फाइनली इसको क्या हुआ? ए टाइमर रुक जा, भाई अभी इतना बड़ा काम करके आया तेरा पोता यार, तो समझो ना आप, इसको थोड़ा सदमा पहुंच चुका है। हाँ आप वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, कोई वापस आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, टेंशन मत लो। अरे आप टेंशन मत लो, अभी जश्न मनाने का टाइम है, ये जश्न पहली बार गुड एंडिंग हुई है भाई, गुड एंडिंग हुई है पहली। ओ ये क्या हुआ? व्हाट लाइट गया क्या? एक सेकंड ऐसा लगा कि लाइट गई यहां पे एकदम से। फ्यूज खींच लिया क्या किसी ने? ये क्या सीन हुआ मेरे? सारा बारिश भी हो रहा है भाई, इस पे नजर करो, इस पे नजर करो, ये गायब नहीं होना चाहिए मेरे पीछे कुछ तो नहीं है तो। भाई आप ऐसे इस पे नजर रख रहे, यहाँ से बंदा गायब नहीं होना चाहिए, ये कोई नहीं कोई दुष्करण 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 तो कोई नहीं कोई नहीं कोई, ये छोटी मोटी चीज है भाई, अपना आर्मर पहन के रखो, बस अपना आर्मर पहन के रखो। क्या अचानक से भाई? आई हैव नो आइडिया। अरे यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे? वही, अरे पर देखते रहो अच्छे तरीके से, कुछ यहाँ पे कांड नहीं होना चाहिए भाई। ये वो दाइमा कुछ तो करना भाई, तू तो चुड़ैली है यार, ये उजाला उजीला करो यार दाइमा, कुछ तो करो यार। क्या क्या तुम्हारी तरफ, मेरे को दूर से पता नहीं चल रहा है कौन है, लेकिन तुम्हारी तरफ कुछ चल के आ रहा है पे भाई, दाइमा है ये पे तो, और मैं उस यो नहीं, तुम अपने सामने देखो कोई आ रहा है चल के। किंग वार्डन, किंग वार्डन, दरिंदा साला लौंडी आवाज। ये क्या क्या लिख रहा नीचे? स्मार्टी तू मेरी टीम में आ जा, हम दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। अभी यहाँ पे सारी बुराई मर चुकी है, अब स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है बेटे? तू पागल है क्या? मैं क्यों आऊंगा तेरे साथ? तुझे पता है इसका कुछ भी मत सुनो, ये साला हम लोगों को भड़का रहा था, आपको भी भला पुछला गया था, सब प्लानिंग इसका। नीचे लिख रहा है कि भाई तू अगर मेरी टीम में नहीं आएगा तो तेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। अरे चल रे तू, एक सेकंड रुक रुक जा। किंग वार्डन भाई, मैंने आप पे इतना विश्वास किया और आपने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरे साथ आपने विश्वासघात किया, मैं आपको इतना मानता रहा, अपने दोस्तों से लड़ता रहा मैं आपकी इमेज के लिए, और आपने मेरे साथ ऐसा किया, ये दिख रहा सामने जिसके साथ आप काम कर रहे थे, द मोस्ट पावरफुल एंटिटी जिसके ऊपर दाइमा का पिछवाड़ा था अभी मुंह पे, ये हमने मारा मिलके, तो इसका मतलब ये है कि जब स्मार्टी एसडीओ और ड्रीम बॉय ट्रायो साथ में आता ना हिमलैंड्स का, तो कोई हमें टच नहीं कर सकता है, और तू तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ अस, समझा? ये ट्रायो को छोड़ के मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तू तो बिल्कुल भी नहीं, अगर तेरी यही इच्छा है तो भुगत ले। क्या अंजाम भुगतो? तुझे पता है ना अभी तू यहाँ पर कहाँ खड़ा है? स्मार्टी एसजीओ ड्रीम आस पास ही खड़े तेरे, तेरे साथ अभी कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, तू अभी यहाँ। What the heck man? मेरे दोनों दोस्त भी चले गए और की मोची भी चली गई। This is the saddest ending bro. ये क्या हो गया मेरे साथ?